दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और हम लोगों को फाइनली एक बड़ी जीत मिली है। सो सीबीआई फॉर सुशांत के लिए अभी है फी फॉर विक्ट्री। सारे देश में अभी एक खुशी का माहौल है। अभी इसी खुशी के माहौल में यदा बन के पेड़ा खाने आए हैं अक्षय कुमार जी। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के तुरंत बाद जाके ट्वीट किया है और जस्टिस की मांग की है। अभी नेचुरली इस ट्वीट में भर के काफी सारे लोग सब लोग उनको यही बोल रहे हैं कि आप 65 डेज से कहाँ थे, अब इनको बीच बीच में देखा गया था कि ये फिल्म की भी प्रमोशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो आदित्य ठाकरे के साथ जो सुशांत का चुराया हुआ पेटेंट है उसको लॉन्च करने भी गए थे। सारे देश के लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी फिल्म तो नहीं चलेगी, तो इसी कारण इन्होंने अभी आके ये ट्वीट किया है। अभी सबसे बड़ा दोगला अगर कोई एक्टर है तो वो है अक्षय कुमार। एक साइड पे वो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेते हैं, दूसरे साइड पे वो कनाडा का सिटीजनशिप लेते हैं, तीसरे साइड में वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के साथ भी बहुत अच्छा रेपुटेशन रखते हैं, चौथे साइड में वो मुंबई पुलिस के साथ भी हमेशा रहते हैं, जो भी उनका प्रोग्राम होता है वो मुंबई पुलिस को आमंत्रित करते हैं ताकि पुलिस का प्रोटेक्शन भी उनको मिलता रहे। मैंने तो सुना था कि दो नाव पे पैर रख के रहा नहीं जाता, इन्होंने तो 100-100 नाव पे पैर रख के अपना रेपुटेशन बनाया है, अपना करियर बनाया है। और ये तो सुशांत से उनकी जो फिल्म थी धोनी, ये भी छीनने को आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि नीरज पांडे ने उनको बोला कि यार आप इस रोल के लिए फिट नहीं हो, तब जाके उन्होंने वो मूवी छोड़ी। मिस्टर खिलाड़ी कुमार, हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को नहीं चाहिए आपकी हेल्प, हम लोगों को नहीं चाहिए आपकी सिंपथी। आप 65 डेज तक कहाँ थे, तब तो आप नहीं आए थे सपोर्ट करने। अभी जब महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई सरकार से ये केस दूर दूर तक चली गई, तब आप दिखा रहे हो कि आप कितने अच्छे सिटीजन हो। आपको क्या लगता है कि 130 करोड़ की जो आबादी है वो क्या अभी बेवकूफ है? उन्हें क्या कुछ समझ में नहीं आता? उन्हें क्या समझ में नहीं आता कि आप कितना डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हो? आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि आपके एक ट्वीट से आपका इमेज चेंज हो जाएगा। आपकी जितनी देशभक्ति पे मूवी है वो भी फेक है और आप भी बहुत बड़े एक फेक इंसान हो और ये अभी सबको पता चल चुका है। मैं आपको एक फ्री में एडवाइस देना चाहता हूँ। आप एक अच्छे किसी पीआर ग्रुप के साथ कांटेक्ट करो। जो पीआर ग्रुप सलमान खान का इमेज चेंज किया था, वैसे एक पीआर ग्रुप के साथ आप भी कांटेक्ट करो, क्योंकि आपका भी इमेज अभी अगर चेंज नहीं हुआ तो लोग आपको डिसलाइक करेंगे और आपके कुछ मूवीज भी हम लोग नहीं देखेंगे और अभी से हम लोग आपको बॉयकॉट भी करते हैं। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि सीबीआई आपको भी बुलाएगी, तो इसीलिए अभी आपका खाता आप क्लीन कर रहे हो। खैर, बात बात की बात है, अभी सब बहुत होशियार है, सब बेवकूफ़ नहीं है कि आपके झांसे में आ जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अक्षय कुमार क्या एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है या वो एक दोगले और फेक किस्म के इंसान है? मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए जस्टिस फॉर SSR।